हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, गुजिया रेसिपी। तो आज मैं दोनों तरीके की गुजिया आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है और मैदा के अंदर मैं यहाँ पे देसी घी ऐड कर रही हूँ, जो मेरा प्योर होममेड देसी घी है, और वो मैंने इसमें यहाँ पर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसी तरीके से आपको अच्छे से मिक्स करना है और आटा चेक भी करना है मैदा को, कि ये हल्का सा बाइंड होना स्टार्ट हो जाए। तो इसमें थोड़ा और घी डालने के बाद मैंने इसको चेक किया है यहाँ पे। ये देखिए, इस तरीके से ये हल्का सा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो यानी कि ये परफेक्ट मैदा है। और इसमें हल्का सा वार्म वाटर डालने के बाद मैं इसे डो बना दूँगी। तो ये मैदा की डो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अभी अपना यहाँ फ्राई पैन ले रही हूँ, इसके अंदर मैंने सूजी डाली है, ये एक बड़ी कटोरी सूजी है, और इसे अच्छे तरीके से मैं ब्राउन कर लूँगी। इसका कलर आप देख सकते हो, ये रोस्ट हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है, और इसे अब मैं यहाँ ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल दूँगी। और फ्राइंग पैन मैंने दोबारा रख दिया है गैस पे, क्योंकि अब हमें इसमें जो हमारा खोया है, मावा बोलते हैं जिसको, इसको अब हमें अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल फ्रेश मावा आपका होना चाहिए, और इसको जल्दी जल्दी आप चलाते रहें, ये लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये स्टिकी हो गया और लग गया कढ़ाई में, तो पूरे मावा में स्मेल हो जाएगी। आपको बस इसको गोल्डन करना है इसी तरीके से। ये देखिए, ये अपना घी छोड़ चुका है और बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे हमें चाहिए वैसे भुन चुका है ये, और इसे यहाँ प्लेट में मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक ये ठंडा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, सूजी भी हमारी ठंडी हो गई है, तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारे यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू, बादाम और गोला और चिरौंजी, जिनको मैंने हल्का सा यहाँ पे मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लिया है। और आप इसमें अगर छोटे टुकड़े करके डालना चाहे तो डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे किशमिश ले ली है, और ये मेरे पास है शुगर पाउडर, ये है सूजी। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राई जो सूजी का वो होती है फिलिंग, वो आपको बनाने दिखा रही हूँ कैसे बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको सूजी लेनी है, जिसको हमने अभी रोस्ट किया था। उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच किशमिश, उसके बाद जो सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ग्राइंड कर रखे हैं वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। ये देखिए, और साथ में इसमें यहाँ पे ऐड करनी है मुझे शुगर पाउडर, नॉर्मली बाजार में मिल जाता है ये, बूरा भी बोलते हैं इसे, तो जितना आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप डालें। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर चुकी हूँ, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो फिलिंग है ये रेडी हो गई है, ड्राई वाली गुजिया की। और अब मावा वाली की हम रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए, मावा जो हमने भून के रखा था ये यहाँ पे ठंडा हो चुका है, इसको मैं अब दूसरे कंटेनर में निकाल लूँगी। ये देखिए, तो इसके अंदर अब क्या क्या ऐड करना है, यहाँ पे थोड़ी सी सूजी हमने एक बड़े चम्मच के करीब यहाँ डाली है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर रही हूँ, और नेक्स्ट यहाँ पे इसमें किशमिश ऐड करनी है। तो सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला के रख देना है, इनको भी मिक्स कर दूंगी। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो मैदा हमारी डो बना के रखा था उसकी छोटी छोटी पूरियाँ बना ली हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी, और इसके जो आउटसाइड है उसमें सब जगह मैं पानी लगा दूंगी। पानी इसलिए लगाना है कि ये अच्छे तरीके से चिपक जाएगी।
उसके बाद 2 चम्मच के करीब इसमें मैं जो मावा वाला हमारा अभी हमने रेडी किया है वो मैंने इसमें फिल कर दिया है। और इसमें मैं यहाँ डिज़ाइन दूंगी फोक से, इस वाली चम्मच से आप इसको ऐसे डिज़ाइन दे सकते हो, ये देखिए। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, गुजिया बनाने का जो सांचा आता है वो नहीं है, तो आप इस तरीके से बहुत इजीली गुंजिया रेडी कर सकते हो। और कुछ गुंजिया मैंने यहाँ पे मरोड़ी वाली भी बनाई हैं जो नॉर्मली हाथ से बनती हैं। और यहाँ पे इनको मैंने अब फ्राई करने के लिए डाल दिया था। और ये देखिए जो गुंजिया बनाने का मोल्ड होता है सांचा, उससे भी मैंने कुछ गुंजिया यहाँ पर रेडी करी हैं। तो सेम प्रोसीजर वही रखना है, आप उसी तरीके से पूरी बनाएंगे। और गुंजिया के मोल्ड में अंदर आपने ऑयल लगाना है यहाँ पे, और इस पूरी को मैं इसके ऊपर रख दूंगी, ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारी फिलिंग है उसको हम रखेंगे, और सेम वही प्रोसीजर के साइडों में इसके पानी लगाना है। जहाँ पे आप पानी लगा रहे हैं वहाँ पे इसकी ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए, वरना ये चिपकेगी नहीं। और बिल्कुल ईजली इसको आप इस तरीके से प्रेस कर देंगे, अच्छे से आपने इसको प्रेस करना है, जो कि इस पे जो कटर बना होता है उससे ये कट हो जाए, ये देखिए। और जो एक्स्ट्रा हमारा ये डो है इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से, इस तरीके से आटे को निकाल दो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली मेरी डिज़ाइन वाली गुजिया भी रेडी है यहाँ पे। तो आप जैसे भी बना सकते हैं, मोल्ड ना हो तो भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास मोल्ड है तो भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरी गुजिया यहाँ पे रेडी हो गई थी, अब मैं इनको फ्राई कर दूंगी। चलिए फ्रेंड्स इनको फ्राई करते हैं। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, मीडियम लो फ्लेम पे रखना है, और इस तरीके से पलट पलट के इनको सेकना है जब तक ये ऐसे गोल्डन कलर आ जाए इनके ऊपर। और उसके बाद मैं इनको यहाँ शुगर सिरप मैंने बना के रेडी किया हुआ है उसमें डिप कर दूंगी। शुगर सिरप की आपको रेसिपी देखनी है तो आप मेरे पहले वाले ब्लॉग में देख सकते हैं जिसमें मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं। तो शुगर सिरप में इसको आप ऐड कर देंगे, और ये डिप हो चुकी हैं अच्छे तरीके से। इनको बहुत देर नहीं छोड़ना है इसमें। यहाँ प्लेट पे मैंने एक जाली लगा ली है, जो भी एक्स्ट्रा वो होगा हमारा चाशनी इसके अंदर वो स्टेन हो जाएगी नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाशनी भरी होती है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ये देखिए गुजिया हमारी रेडी हो चुकी हैं फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से बनाएं, और आप अपने घर में अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, सबको खिला सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनेंगी। ये वाली मेरी ड्राई वाली हैं जो मैंने विदाउट शुगर सिरप के बनाई हैं, और ये वाली शुगर सिरप की हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।